आत्मविश्वास हमेशा सही रहने के डर से नहीं बल्कि गलत न होने के डर से आता है। उम्मीद वो विश्वास है जो सफलता की ओर ले जाती है। बिना आशा और विश्वास के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। न किसी जहाज को एक छोटे से लंगर पर भरोसा करना चाहिए और न ही किसी जीवन को सिर्फ एक उम्मीद पर टिके रहना चाहिए। जैसे प्यार से सभी चीज़ें आसान लगती हैं, उसी तरह उम्मीद से सब कुछ संभव लगने लगता है। अगर इच्छाएं घोड़े होती तो सबसे तेज सवारी भिखारी ही करते। एक लीडर आशा का व्यापारी होता है। मैं सबके बुरे के लिए तैयार हूँ, लेकिन सबसे अच्छे की उम्मीद करता हूँ। मेरे लिए आस्था का मतलब है चिंता ना करना। अपना विश्वास और उम्मीद जिंदा रखिए और आपके डर खत्म हो जाएंगे। जानते हैं सब कुछ खो देने के बाद भी बुरा क्या है? वो उम्मीद खो देना जिसके भरोसे आप सब कुछ वापस पा सकते हैं। चिंता न करना उम्मीद का ही नाम है। दुनिया में जो कुछ भी होता है उम्मीद के द्वारा ही होता है। मैं जो भी हूँ या होने की उम्मीद करता हूँ उसका श्रेय मेरी माँ को जाता है। आशा वो शब्द है जो भगवान ने हर एक मनुष्य के माथे पर लिख दिया है। उम्मीद और विश्वास का छोटा सा बीज खुशियों के विशाल फलों से बेहतर और शक्तिशाली है। युवा आसानी से धोखा खा जाते हैं क्योंकि वो उम्मीद करने में सबसे तेज होते हैं। मुक्केबाज एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी हड्डियां बचाने की उम्मीद में अपनी चमड़ी देने जा रहा हो। वास्तव में आशा सभी बुराइयों में सबसे बुरी है क्योंकि वो मानव के दर्द को लंबा खींचती है। बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच उम्मीद होती है। जिसके पास सेहत है उसके पास उम्मीद है और जिसके पास उम्मीद है उसके पास सब कुछ है। छत टपकती है उसके कच्चे घर की, वो किसान फिर भी बारिश की उम्मीद करता है। यकीन और उम्मीद चीजों को आसान नहीं बल्कि संभव बनाती है। आशा तर्क के तंत्र से स्वतंत्र है। भरोसा और उम्मीद ही वह शक्ति है जिससे आप अदृश्य को भी देख सकते हैं, अविश्वसनीय पर भी विश्वास कर सकते हैं और असंभव को भी संभव बना सकते हैं। हर रात के बाद सवेरा आता है, खुशियां जरूर आएंगी, बस धैर्य रखिए। अगर आपको देखना है तो दूसरों की विशेषताएं देखिए। अगर आपको कुछ छोड़ना ही है तो अपनी कमजोरियां छोड़िए। श्रद्धा का उन चीज़ों से लेना देना है जो दिखाई नहीं देती और आशा का उनसे जो हमारे साथ में नहीं है। कल से सीखें, आज में जिएं, कल के लिए उम्मीद रखें। जरूरी यह है कि प्रश्न करना मत छोड़ना। यार वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। और हाँ यार, सभी दोस्तों में शेयर कर दो इस वीडियो को। जीत मोटिवेशन।